राजवेंद्र के सेवा नगर में, जहाँ पर माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन रखा गया। वहाँ पुरस्कार भी छात्र छात्राओं को दिए गए हैं और हमारे बीच में मुरादनगर से चलकर आए देवेंद्र गौतम जी साली हमारे बीच में है, आइए जानते हैं। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद कि हर मनुष्य के अगर ये समाज बुद्धिस्ट हो जाए तो समस्याओं का हल हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या अपनी बहुजनों की सत्ता के बगैर क्या धर्म स्थापित हो सकता है? नहीं, सत्ता के बगैर धर्म तो स्थापित नहीं हो सकता, और हो भी सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो धर्म बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि जो धर्म है उसकी सोच एक होती है हर व्यक्ति की। सर, और राजनीति में सोच एक नहीं हो सकती। समय विपरीत है, एक एक कदम पर सोने पीछे हुए हैं, तो मैं इसलिए बिल्कुल सत्ता से अधिकार मिलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं हमारे लिए सत्ता के रास्ते खोले हैं, और साहब काशीराम जी ने हमारे लिए सत्ता के अधिकार खोले हैं, और जो अधिकार मिलते हैं वो पार्लियामेंट से मिलते हैं। ये हमें अपने समाज को जागृत करने के लिए, हमारे बच्चे शिक्षित हों, पढ़े लिखे हैं, उनकी माइंड पता चलता है कि भाई तुम्हारे अंदर कितना माइंड है अपने समाज के महापुरुषों के लिए। तो ये प्रतियोगिता जो होती है, माइंड होता है, जैसे एक टेस्ट हो रहा, पेपर हो रहा है। जिस देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हर आदमी के, हर व्यक्ति के उसको विचार को वो राजनीति रूप में देखती है, क्या कारण है? नहीं, राजनीति रूप में देखना आदमी का एक मजबूरी है, और राजनीति के बिना हमारे पास है भी कुछ नहीं। तो उन्होंने तो सब कुछ पूरे देश की है, उससे होना क्या है उसका? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के राष्ट्रपति और एक आम आदमी, ये बाबा खड़े हैं हमारे साथ, इधर आइए, इधर आओ, इनकी पावर और देश के राष्ट्रपति की पावर और प्रधानमंत्री की पावर, सबको एक राइट दिया है वोट, उसका सही इस्तेमाल करे आदमी, सही जगह जावे। हमारा हितेशी कौन है, हमारी पार्टी कौन सी है, हमारे लिए संघर्ष कौन कौन लोगों ने करा है, तो हमारे महापुरुषों ने करा था, हमारे अपने लोगों को करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है गौतम जी, बाबा सत्तारूढ़ पार्टी ने आज देश की हर बात को मतलब राजनीति से जोड़ दिया है। हाँ, तो क्या इस बहुजन का बगैर राजनीति के उद्धार हो जाएगा? देखिए, भगवान बुद्ध ने एक बात कही है कि जिस चीज का निर्माण होगा उसका अंत भी होगा, तो अंत तो इसका 19वां हो लिया जी। क्योंकि इन्होंने जो 2 अप्रैल को ततंगियों के छत्ते में हाथ दिया ना समाज के लिए, वो तो इन्हें पता चल गया, और दिक्कत किसी चीज की नहीं है, सभी लोग निष्पक्ष हो गए। मैं आपके माध्यम से भी और सभी लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाली 19वीं हर मतभेद को बुलाकर हाथी पर ठप्पा दबके लगाएं, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, क्योंकि हमारे जो नेता हैं ये भी लोग काम करने को तैयार नहीं, उनके संगठन मजबूत है, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनके पास काम करने की कमी नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, हम तो भूखे लड़ रहे हैं, और आने वाली सत्ता से ही हमें कुछ मिलेगा। अगर आज देश के अंदर हमारे लोगों के लिए माननीय बहन जी ने, साहब काशीराम ने जो प्रयास करा, उसके लिए जो लाखों लाखों रुपए के गाजियाबाद के अंदर, वसुंधरा के अंदर, या दुनिया भर के जहाँ भी फ्लैट बनाए, आवास बनाए, उनमें गरीब आदमियों के लिए फ्री दिए, एक एक दो दो लाख जाओगी। हमारे यहाँ गोविंदपुरम के अंदर एक आम आदमी मकान खरीदना तो बहुत बड़ी बात है, किराए पे नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री होते हैं सबको आवाज, तो आगामी जो प्रधानमंत्री होगा देश का वो उत्तर प्रदेश, आगामी के लिए तो देखिए, ये तो एक हर आदमी की अपनी भावना होती है कि भाई प्रधानमंत्री हमारी लोग बने, लेकिन आने वाले टाइम में